ये भी क्या होते हैं, शाबाश, अलग ऑक्सी ऑक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। डेरिवेटिव्स जब हम अल्केन्स में क्या कर रहे हैं, शाबाश, अलग ऑक्सी डेरिवेटिव्स कर रहे हैं, यहाँ हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पे कौन सा ग्रुप डालते हैं, अलग ऑक्सी ग्रुप। कौन सा ग्रुप, अल्कोक्सी, चाहे वो मिथॉक्सी हो इथॉक्सी हो, हाँ समझ आ रहा है। या मैंने आपको यस बताया था वाटर से हम क्या सर, करेंगे, दो दो हाइड्रोजन रिप्लेस हाइड्रोजन करेंगे किसी, क्या शाबाश, एंड अल्काइल से। यस सर इसी समझ आ रहा है, अल्काइल वहां से क्या बनता है, इथर। से। तो इथर का जनरल फॉर्मूला क्या है, आर ओ आर क्या है। मैंने आपको बताया इथर्स कितने किस्म के होते हैं, दो, कितने, दो दो, शाबाश। सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक अनसिमेट्रिक, सिमेट्रिक मतलब आर ओ अनसिमेट्रिक आर डैश ओ आर डैश ए आर ओ ए आर, ये है ना अनसिमेट्रिक का मतलब क्या, आर ओ आर डैश, शाबाश, आर ओ ए आर, क्लियर। सर, और ए आर ओ आर डैश ऐसा भी हो सकता है ना, क्लियर। यस तो ये आपको याद रखना है, अब समझना है इनका नाम क्लचर भी यहाँ से क्या अंदाज में आ जाएंगे, किन पे, अल्कोहल्स पे। सर, सपोज अगर आर आर अल्काइल्स है, आर क्या है, ए आर क्या है, एराइल्स, फिनाइल जिनको आप बोलते हैं, जब आप बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकालते हो तो वहां पर जो बनता है तो वो क्या होता है, ए आर, क्या होता है, सपोज CH3OCH3, क्लियर, यस सर, C2H5OC2H5, क्लियर, यस सर, C3H7OC3H7, C6H5OC6H5, क्लियर। यस ये सब क्या है, सिमेट्रिक सर, है। यस सर, अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, CH3OC2H5, क्लियर, सर, C2H5OC3H7, C3H7OC2H5, सॉरी CH3CH, यस ये सब क्या है, इसी तरह C6H5OCH3, ये सब क्या है, एसिमेट्रिक, क्या है जो मैंने लिखे यहाँ, ये सब क्या है, एसिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक है कि नहीं। सर, देखो कॉमन नेम इनका क्या है, सिमेट्रिक वालों का क्या कॉमन नेम है, सिमेट्रिक वालों का कॉमन नेम है इनका, डाई अल्काइल इथर्स, क्या क्या है, या डाई एराइल इथर्स। देखो ये क्या है, जरा आप मुझे बताओ भाई साहब, ये अल्काइल, नहीं, ये कौन सा अल्काइल है, मिथाइल, ये भी क्या मिथाइल, लिखोगे आप, डाइमिथाइल, इथर, इसको क्या लिखोगे, डाई एथाइल इथर, डाइमिथाइल, इसको डाई प्रोपाइल इथर, इसको ओ डाई फिनाइल इथर, डाइमिथाइल, सर, लिखा जल्दी जल्दी। कोई लिखा, कॉमन नेम लिखा, फिर से मैं बताऊंगा, डाई मिथाइल इथर, डाई इथाइल इथर, डाई प्रोपाइल इथर, डाई फिनाइल इथर, यस क्लियर। सर, अब क्या लिखना है, आई यू आई पैक, पैक, आई यू पैक, देखो इनका आई यू पैक नेम है अलग ऑक्सी अल्किन, क्या अलग ऑक्सी ऑक्सी अल्किन, आई पी, अलग ऑक्सी अल्किन, या समझ आ रहा है। यस सर, देखो इसके अब क्या बन जाएगा, मिथॉक्सी मीथेन, इसके क्या बन जाएगा, इथॉक्सी इथेन, क्या क्योंकि ये वाला पोर्शन क्या बन गया, इथॉक्स, इसमें कितने कार्बन है, दो दो इथेन, प्रोपॉक्सी प्रोपीन, प्रोपीन,
फिनॉक्सी फिनाल शाबाश बेंजीन ना सीसी बेंजीन से ही निकल रहा है ना ये फिनॉक्सी बेंजीन आप लिख सकते हो क्लियर वो समझ आ रहा है समझे सर और ये समझाया क्या किया मैंने ये समझे आप सर आप इनका थोड़ा बहुत क्या है इनका कॉमन नेम सीधे अल्काइल एथर्स क्या उनको क्या मैंने बताया डाई अल्काइल मैंने इनका क्या है अल्काइल क्यों है अल्काइल क्योंकि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप चेंज हो रहा है क्या हो रहा है चेंज वहां पे क्या थे एक ही किस्म के अल्काइल देखो यहाँ पे क्या है यहाँ पे मिथाइल भी है और इथाइल भी है अब ई आएगा पहले या एम आएगा इथाइल मिथाइल इथाइल समझा रहा है क्या बन गया इसका नाम इसका क्या बन जाएगा ये इथाइल है ये प्रोपाइल है क्या बन जाएगा इथाइल प्रोपाइल अब ये क्या है प्रोपाइल है ये क्या है मिथाइल है एम आता है पहले या पी आता है एम तो क्या बन जाएगा मिथाइल प्रोपाइल क्लियर कॉमन नेम ये बता रहा हूँ इसका क्या बन जाएगा शाबाश ना ये है फिनाइल ये क्या है मिथाइल कौन आ जाएगा मिथाइल फिनाइल क्लियर अब क्या लिखना है इनका आयुपैक देखो आयुपैक है इनका अलग ऑक्सी अल्केन इनका भी अलग ऑक्सी इनका भी मगर अल्केन में आपको वो वाला पोर्शन सिलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम कार्बन हो क्या मैक्सिमम कार्बन देखो आप यहाँ पे कितने कार्बन है दो यहाँ पे कितने हैं एक तो आप क्या लिखोगे मिथॉक्सी ईथेन समझा रहा है ऐसा क्या मिथॉक्सी ईथेन तो यहाँ पे क्या लिखोगे शाबाश ईथॉक्सी प्रोपेन यहाँ पे क्या लिखोगे मिथॉक्सी प्रोपेन क्लियर मैंने क्या बताया अल्केन के साइड में क्या लेना है वो जहाँ मैक्सिमम कार्बन इसका क्या आ जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन जिसमें ज्यादा है ना समझाया डिफिकल्ट तो नहीं है ये बहुत आसान है अगर आप थोड़ा सा क्या लगाओगे एफर्ट्स लगाओगे तो ये बहुत आसान है अब आईयूपीएसी हमें किनका पढ़ना है अल्कोहल किनका पढ़ना है अल्कोहल पढ़ना है ना सर वो पढ़ना है आईयूपीएसी ऑफ क्या अल्कोहल देखो आयुपैक ऑफ अल्कोहल अल्कोहल मैं सारे बना के रखूंगा ये है ना जी है ये सभी क्या है मानो हाइड्रोजन क्लियर अब इसी तरह